नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। हमने इस प्रस्तावना की बात कर ली राजस्थान चित्रकला से संबंधित। आज हम बात करते हैं अब इन शैलियों के बारे में, और सबसे पहले मेवाड़ स्कूल में जो उदयपुर शैली कहें, नाथद्वारा कहें, देवगढ़ कहें और चावंडूप शैली जिन्हें हम कहें, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करें मेवाड़ या उदयपुर शैली की। इस समय के जो प्रमुख राजा हुए महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल, इस शैली के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके प्रमुख कलाकार साहिबद्दीन मनोहर कृपाराम उमरा है, और यहाँ के जो चित्रित ग्रंथ वगैरह देखें, प्रथम उपलब्ध चित्र सन 1260 में रावल तेज सिंह के समय आहाड़ में चित्रित श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, प्रमुख चित्र सुपासना चरियम गीत गोविंद आख्या का रामायण शुक्र क्षेत्र महात्म्य आदि है। कृष्ण की लीलाओं का चित्रण, नायक नायिका भेद, रागमाला बारहमासा आदि इस विषय के जो है प्रधान विषय हैं इस शैली के। यहाँ प्रमुख रंग कौन सा काम में लिया गया, पीला और लाल रंग प्रधान है। यहाँ पर हास्य लाल और पीले सादा पट्टियों में चित्रित हैं। यहाँ के हास्य पुरुष की आकृति की बात करें या वेशभूषा की बात करें, पुरुष आकृति वेशभूषा की तो गठिला शरीर, लंबी मूछें, विशाल नयन, छोटा कद, कपोल तक जुल्फें, सिर पर पगड़ी, कमर में पटका, लंबा घेरदार जामा, कानों में मोती। या नारी आकृति की बात करें तो ओज उदात और सरल भाव लिए चेहरे, कमल मीनाकृत आँखें, गरुड़ सी सीधी लंबी नाक, भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिकना कद, चिबुक पर तिल, लंबी वेणी, लहंगा व पारदर्शी औडनी, भौएं नीम के पत्ते की भांति। और भी इसकी विशेषताएं हैं जिनमें देखें, गुजर व जैन शैली से प्रभावित है। यह पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण है, बादलों से युक्त नीला आकाश है, कदम वृक्ष वो हाथी का चित्रण यहाँ प्रधान है, कोयस सारस व मछलियों से युक्त भरपूर प्रकृति चित्रण है। महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय से मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव आने लगा। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चित्रों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया। इसे तस्वीरारों कारखानों की पुकारा जाता है। ये राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली मानी जाती है। बात करें इसी के अंतर्गत मेवाड़ स्कूल से संबंधित नाथद्वारा उपशैली की। यहाँ के प्रमुख महाराजा की बात करें, महाराणा राज सिंह के समय उद्भव और इसका विकास हुआ नाथद्वारा शैली का। और यहाँ के प्रमुख चित्र कलाकार और चित्र ग्रंथों में बात करें तो कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण माता यशोदा, नंद, बाल ग्वाल, गोपियाँ आदि का चित्रण विशेष हुआ। इसमें श्रीनाथ जी के विग्रह के चित्र प्रमुख बने। यहाँ प्रमुख रंग देखें, हरे व पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ। पृष्ठभूमि में नींबू पीला रंग प्रमुख है। यहाँ पुरुष की आकृति की बात करें और वेशभूषा तो यहाँ पुरुषों में गुसाइयों के पुष्ट कलेवर, नंद और अन्य बाल गोपालों का भावपूर्ण चित्रण यहाँ मिलता है। स्त्रियों की आकृति देखें तो स्त्रियों की आकृति में प्रौढ़ता, छोटा कद, तिरछी और चकोर के समान आंखें, शारीरिक स्थूलता, उभावों में वात्सल्य की झलक मिलती है। और भी विशेषता नाथद्वारा शैली की देखें, केंद्रीय आकृति चुपराय है, श्रीनाथ जी की काली नील कांटी के रूप में अंकित है, गायों का मनोरम अंकन है, यहाँ आसमान में देवताओं का अंकन है, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, केले के वृक्ष को प्रधानता दी गई है, पिछवाई और भीति चित्रण प्रमुख विशेषता है इसकी। इसका उद्भव और विकास नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना के बाद में ही माना जाता है। अब बात करें देवगढ़ उपशैली की। देवगढ़ की बात करें तो यहाँ प्रमुख कलाकार और प्रमुख चित्र में देखें तो कंवला चौक बैजनाथ प्राकृतिक, तो यहाँ के जो प्रमुख कलाकार है कंवला चौक बैजनाथ प्राकृतिक परिवेश शिकार के दृश्य यहाँ है, अंतपुरे राशि ठाटबाट श्रृंगार सवारी आदि का चित्रण इस शैली का प्रमुख विषय रहा। पीले रंग की बहुलता है यहाँ, जोधपुर शैली के समान है यह देवगढ़ उपशैली। नारी की आकृति जोधपुर शैली के समान ही है, और विशेषता देखा जाए तो इसकी मारवाड़ जयपुर व मेवाड़ की समन्वित शैली है यह देवगढ़ शैली। सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने शैली को प्रकाशमान किया। मोटी वो सदी हुई रेखाएं इसमें मिलती है। छोटी सी शैली उपशैली की बात करें चामंड, जो प्रमुख महाराणा प्रताप वो
महाराजा अमर सिंह के समय नसीरुद्दीन निसरुद्दीन यहाँ के कलाकार देखें। महाराणा अमर सिंह के समय 1605 ईस्वी में चित्रित रागमाला ग्रंथ प्रमुख ग्रंथ है, इसकी यही विशेषता है मुख्यतः। तो हमने मेवाड़ स्कूल की बात कर ली, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत मेवाड़ शैली, नाथद्वारा उपशैली, देवगढ़ उपशैली और चाउंड उपशैली की बात हमने कर ली। आगे अगले वीडियो में देखेंगे मारवाड़ स्कूल की। तो आपसे निवेदन, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार।